सो so जो कि सिर्फ इतना सा सोचते हैं कि यार अगर मैंने पंद्रह बीस पच्चीस हजार रुपए का प्रोसेसर खरीद लिया है तो मेरे को तो इसमें एक एआई लिक्विड कूलर लगाना ही पड़ेगा अगर मैंने नहीं लगाया इसमें एआई लिक्विड कूलर तो मेरे साथ तो अनर्थ हो जाएगा मेरे पीसी में तो आग लग जाएगी मेरे पीसी में तो धमाके हो जाएंगे नहीं यार सिर्फ फ्लोइंग लिक्विड डजेंट मीन्स की जो आपका ए आई लिक्विड कूलर है वो आपके एयर कूलर से बेटर ही परफॉर्म करेगा वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकता हूँ बट आज का वीडियो कुछ हो रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करूँ सो प्लीज से

कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने लिए खिड़की दस या फिर खिड़की गारह के लाइसेंस या फिर माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर की, की इस तो विजिट कीजिए नीचे लिंक को वहां से जाकर बहुत ही डील्स को आप ग्रैप कर सकते हैं लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन तो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स को आज हम लोग टॉर्चर करने वाले हैं लिटरली लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्विक अनबॉक्सिंग से इन प्रोडक्ट्स की सो स्टार्टिंग विद अनबॉक्सिंग जो इसका बॉक्स है कुछ इस तरह का आपको तो देखने को मिल जाता है बॉक्स को हम लोग ओपन कर ले तो सबसे पहले अपने को मिलता है एक एम एफ वन ट्वेंटी हैलो जेन टू फैन जिसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे फिलहाल के लिए इसके अलावा अपने को मिलता है द माउंटिंग ब्रकेट जो कि दोनों इंटेल एंड एम डी सॉकेट्स के लिए अलग अलग आपको मिल जाती है एक छोटा सा सरेंज आपको मिलता है कूलामास्टर मास्टर मास्टर जेल प्रो थर्मल कंपाउंड का जिसको आप आई गेस दो बार यूज कर पाएंगे मेरे हिसाब से कुछ यूजलेस पेपर वर्क आपको मिल जाता है एंड साथ ही साथ में द मेन थिंग जो की है टॉवर स्टाइल हीट वो भी आपको मिल जाता है दोनों ही जो हीट अपने पास में दोनों वेरियंट्स है व्हाइट भी, भी है दोनों ही आते हैं विद फोर कॉपर हीट पाइप जो की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट पाइप है बट एक चीज की कमी मुझे लगी जो की बेस प्लेट है इन दोनों की उस पे की उस किसी तरह कोई कोटिंग नहीं है जो की कॉम्पिटिशन के कूलर में आपको देखने को मिल जाएगी विच रिजल्ट इन मोर इवन हीट कंडक्शन एनी वेज एक गुड पार्ट यहाँ पर यह भी है की जो दोनों कुलर्स है इनके हीट पाइप आपको पाउडर कोटेड मिलते हैं मतलब की अगर आप ब्लैक कूलर के ऊपर नजर डालेंगे तो जो उसके हीट पाइप्स है

जी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब इसको uh, LG 1700 में या इंटेल बेस्ड प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल करें तो आई रेकमेंड यू कि आप जो मदरबोर्ड है उसको केस में इंस्टॉल करने से पहले इसको इंस्टॉल कर लें तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी रहेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छा इस बोर्ड में मैंने कोर i5 13600k को इंस्टॉल कर रखा है जो कि एक 14 कोर 20 थ्रेड मॉन्स्टर प्रोसेसर है एंड ये इस कूलर के लिए ऑब्वियसली टॉर्चर रहने वाला है तो 5600x के साथ भी टेस्ट करेंगे 13600k के साथ भी टेस्ट करेंगे इनको सो तो जिस रूम में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वी आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंबिएंट टेंपरेचर

भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में टिल देन शेयर